मंदिर विच उस समय हिंदू शिव भगतां च भारी रोस पाया गया जदों एक वीडियो वायरल हो गई जिस विच एक नौजवान वालों प्राचीन शिवलिंग उत्ते पुठे सीधे लंबे पै के पैर रख के अते वक्-वक् तरह नाल शिवलिंग की बेअदबी की गई जिस दी वीडियो सोशल मीडिया से अग वांग फैल गई। जी हाँ, यह मामला जिला गुरदासपुर के इतिहासिक कस्बा कलानौर के प्राचीन शिव मंदिर का है। आओ सब तो पहले तुम्हें दिखा दें यह वीडियो। कलानौर शिव मंदिर ट्रस्ट के प्रधान अमरजीत खुल्लर नाल जदों गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि सानू भी सीसीटीवी कैमरे च वेखन से पता लगा कि इस तरह बेअदबी हुई है। असी पुलिस नूं सूचित कर दिता है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सानू कहने उतों फोन किया भी इस तरह का मंदिर आ घटना हुई है, आपां उतों इसे उसे वापस आए हैं। जो वापस आ के वेख्या पंडित जी ने उन्होंने बाहर कढ़िया वो मुंडे नूं, जदों आपां अंदर फिर अपने जिहड़े कैमरे वेखे ने वो मुंडा अंदर पहला 10 मिनट खलोत रहा हाथ जोड़ के, उस तो बाद उन्हें अंदर छाल मारी है, पहला पुट्ठा फिर सीधा, फिर वो महाराज के उपर मतलब कि पैर लगे उपर चढ़िया, फिर वो बाहर आया। इन्हें वो घटना तो बहुत माड़ी की है, पर अं जो इतने कट्ठे होकर वेखे आ कैमरे में तो बिल्कुल दुरुस्त पाया गया, वाकई उपर चढ़िया वो पुट्ठा सीधा भी हो गया, उन्हें उत्ते लेटिया, यह घटना ही है। उस तो बाद आप उस वे एस एस साहब खलोते, मैं उन्होंने फोन किया, दरखास्त भी भेजी उस वे देती है, फिर डी डी साहब ने गल आई भी उस वे हम मौके पर आ गए हैं। अं इन्हों की जी बनती कार्रवाई उन्हें कभी करो जो सदाई है ज कुछ भी आते, इन्हें माड़ी गल की आ कि अपने धर्म में ठेस पहुंची है, शिव भगतों में भी गई है, दूजे वाल इन्हें जी बेअदबी की है इन्हों की सज़ा मिलनी चाहिए। दूजे पास शिव भगतों वालों नरेंद्र विज नीति ने कहा कि जो मंदिर विच कानूनी हरकत हुई है उस संबंधी असी जिला प्रशासन नूं मंदिर ट्रस्ट कमेटी के विरुद्ध मंग पत्र दिता है, क्योंकि मंदिर की सेवा संभाल की जिम्मेवारी ट्रस्ट की बनाई है। मंदभागी घटना जिहड़ा कि एक मैंटली अपसैट बंदे ने भोलेनाथ दे शिवलिंग दे उत्ते चढ़ के बेअदबी की आ, गर्भगृह के अंदर जाके वह शिवलिंग दे उत्ते चढ़िया, जिस दियां वीडियो सारे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से भी वायरल हो गई हुण ते, जो कि एक बहुत मंदभागी घटना। यह सरासर मैं यो कहांगा कि वह बंदा तो मैंटली अपसैट सीगा, बट ट्रस्ट कित्थे सीगी? आप ट्रस्ट नूं जिम्मेवार मन्ना, सीधे तौर पर ट्रस्ट जिम्मेवार है जी, क्योंकि ना गर्भगृह के अंदर पुजारी मौजूद आ। अगर वह बंदा मैंटली अपसैट सीगा वह गर्भगृह के अंदर चला किदां गया? गर्भगृह के अंदर जाके उन्हें यह भी नहीं कि एक सैकेंड या दो सैकेंड दस सैकेंड, उन्हें 15-20 मिनट तांडव किया उत्थे, उन्होंने देखने वाला कोई भी नहीं, उस बंदे नूं उत्थे देखने वाला कोई मौजूद ही नहीं कि जिहड़ा उन्हें हटा सके। 15-20 मिनट बंदा उत्थे घूमदा रहा शिवलिंग के उपर चढ़ के, उस तो बाद ना उत्थे कोई पुजारी, ना उत्थे कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना उत्थे ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी, कि इन्हां दी कोई जिम्मेवारी नहीं। ये अपने तो मिट्टी झाड़न वास्ते समझ आता पाया कि यह पुलिस तो उस मैंटली अपसैट बंदे ते जिहड़ा कि बंदे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है उहदे ते परचा दे रहा, जबकि मैं प्रशासन तो मांग करदा कि यह परचा तो सीधा सीधा ट्रस्ट ते बनता, बेअदबी तो ट्रस्ट ने की, जिम्मेदारी फिक्स ट्रस्ट की होंदी है इहदे उत्ते, क्योंकि ट्रस्ट की ही जिम्मेवारी, ट्रस्ट की जिम्मेवारी सिर्फ पैसे उगराना नहीं है, उत्थों मंदिर नूं मैनेज करना, मंदिर की मर्यादा नूं कायम रखना, कि यह ट्रस्ट है कोई बंदा जिम्मेदारी लैण लई तैयार है? ये जिहड़ी गलत गल है इहदे नाल भोले भोलेनाथ के भगतों दीआं भावनावां आहत होईआं ने, यह सीधे तौर पर जिहड़ी बेअदबी की जिहड़ी घटना वा ये सारी सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट की बनती है। इहदे मुतलक असीं SDM साहब नूं ऑलरेडी दरखास्त दे आए हाँ बजरिया तहसीलदार साहब, क्योंकि अज उन्हां दी शायद उन्हां कोल चार्ज दीनानगर का भी है जो उत्थे सीगे, तो उन्होंने वाया एस नायब तहसीलदार कलानौर आपां दरखास्त सबमिट करवाती है कि जिहड़ी बनती कार्रवाई है वह ट्रस्ट ते कीती जाए। प्रशासन तो ट्रस्ट इमीजिएट सस्पेंड होना चाहिए जी, क्योंकि ट्रस्ट का काम सिर्फ पैसे गिनना नहीं है, ट्रस्ट का काम उत्थों की व्यवस्था देखना, उत्थों की सिक्योरिटी देखना, कि कोई भी जानवर गर्भगृह च वड़ जाएगा इन्हां दा सिक्योरिटी वाला कोई उत्थे रोकण वास्ते नहीं है, कोई भी अंदर जाके कुछ करेगा, कोई भी उत्थे जाके अंदर जाके कोई सावन का महीना चल रहा इन्ना रश रहिंदा सारा दिन, लोगों की आस्था भोलेनाथ के मंदिर में जुड़ी हुई है, और सावन के महीने में ऐसी हरकत हो जाती है तो अगे पिछे की हाल होएगा मंदिर का, कि उत्थे सिर्फ इन्हों व्यवस्था दे सिर्फ एक टैग लैन वास्ते ही ये ट्रस्टी बने हुए हैं, कि इन्होंने उतो की सेवा भाव ज अगर इन्हों को उत्थे टाइम स्पेंड करने दे लई समय नहीं। इस संबंधी पंजाब पुलिस के DSP भारत भूषण नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि एक नौजवान वालों यह कानूनी हरकत की गई है जो कि प्राचीन शिव मंदिर है, जिस नाल शिव भगतां अते हिंदू भाईचारे विच भारी रोस पाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह व्यक्ति दिमागी परेशान है, जिस बारे उसके घर वाले ने दसिया अते उसते चल रहे इलाज की रिपोर्ट भी दी गई है। उस वेले मंदिर के अंदर जिहड़ा प्रीमाइसिस दे विच भी दो तीन जिहड़े आदमी बैठे हुए सी, ये जिहड़ा व्यक्ति शिव कुमार सानू सतपाल है जिन्हें सारी हरकत की है, वो मंदिर के बाहर ही जिहड़ी रेहड़ी लगा
20 साल उम्र आ और 18 साल तो जो लगातार उनका मैंटली इलाज चल रहा और काफ़ी पेसेंट है जो मैंटल है तो उनका फादर भी जो अज कुछ दिन से उनकी मैडिसन जी मुक्की हुई थी अब अमृतसर मैडिसन लैके गया से उत्थे आले दुआले पता करन ते लगा कि उन्हें एक दो बारी किसी ने हिट करन दी हिट नाल कोशिश की मैंटली प्रेजेंट है जी काफ़ी ज़्यादा मैंटल है फिलहाल असं 295 ए दे तहत जो केस रजिस्टर कर रहे हैं तो नाल ही उनका गुरु नानक देव हॉस्पिटल तो उनका मैडिकल चैकअप करा के फरदर उनकी जी कार्रवाई है अमल च लिया उसके सारा मैडिसन से उनका जो इलाज चल रहा वो सारा उनके फादर ने जो पेश किया साढ़े जो उनका इलाज चल रहा इस वेले बंदा एप्रीहेंड किया उनका पहला मैडिकल जरा कराया जाना जरूरी है क्योंकि काफ़ी परसेंट है जी उनकी जी मैंटली स्थिति ठीक नहीं लग रही और इनका मैडिकल जरा करा के उस तो बाद ही अरेस्ट किया जाए। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति खिलाफ धारा 295 ए लगा के मुकदमा दर्ज कर लिया है बाकी अगली की तफ्तीश जारी है। गुरदासपुर तो पत्रकार जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसे बिल्कुल भी मिस ना।